How are you? I hope all you are fine. Today I teach you water cycle in EVS. हाँ जी बेटा, what is water? Water क्या होता है? पानी. अब बेटा एक क्वेश्चन है कि पानी है वो कहाँ से आता है? तो आंसर तो हमारे पास है कि पानी है जो वो टैप्स में से आता है ना. तो आप लोग तो टैप्स में से ही देखते हो ना, पानी के टैप में से आता है पानी. पर जो पानी है बेटा टैप में कहाँ से आता है? टैप में बेटा जो पानी होता है वो ट्यूबवेल्स में से आता है. जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो जो धरती के अंदर पानी होता है उसको खींचते हैं और फिर वो पानी टैप्स में आता है. अब बेटा जो धरती के अंदर पानी है अब वो कहाँ से आता है? वो आता है बेटा रेन से. अब रेन है वो कैसे होती है? रेन कैसे होती है? रेन बादलों के बनने से होती है. तो बेटा जो वाटर साइकिल है आज उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि रेन है वो कैसे होती है और जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बनते हैं. ओके, दिस इज सन, क्लाउड्स, माउंटेन्स, ट्रीज, लेक, ओशियंस, ग्राउंड वाटर, दे ऑल प्ले मेन रोल इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. नाउ With the help of sun heat, the water starts evaporate from lakes, oceans, rivers, etc. बेटा जब सन की जो हीट है वो पानी के ऊपर, ओशियंस के ऊपर, लेक्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर पड़ती है तो जो पानी है उसकी क्या बनने लग जाती है? भाप बनने लग जाती है. जो पानी है वो इवेपोरेट होने लगता है और छोटे छोटे वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. उसके बाद बेटा जो वाटर है, द वॉटर वेपर कलेक्ट टू फॉर्म क्लाउड्स. जो वॉटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? क्लाउड्स को बनाते हैं. ओके, व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी दे कंडेंस एंड रेनफॉल स्टार्ट. जब बेटा क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन में जो वॉटर वेपर्स हैं वो पानी के रूप में चेंज हो जाते हैं और फिर जो रेन है वो स्टार्ट हो जाती है. Now next is the when the rain is falling, it collects in ponds, lakes, oceans, rivers. जब बेटा रेन शुरू होती है तब क्या होता है? जो पानी है वो धरती की तरफ आने लगता है और फिर वो धरती पर कहाँ जमा होता है? लेक में, ओशियन में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में. और बेटा जो पानी इनके अलावा जो पानी सतह पर होता है, धरती पर होता है, वो कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है और फिर वो पानी वहां पर जाकर जमा हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज सरफेस वाटर सीव्स इनटू ग्राउंड एंड वेल इट कॉल्ड ग्राउंड वाटर. अभी बेटा मैंने आपको समझाया जो पानी एक्स्ट्रा ऊपर रह जाता है वो कहाँ चला जाता है? ग्राउंड के अंदर चला जाता है और वो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. और जो बेटा ग्राउंड के ऊपर वाला पानी है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर. ओके, देन ग्राउंड वाटर फ्लो towards the ocean and the process of water cycle starts again. अब क्या होता है बेटा? जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का वो फिर से स्टार्ट होता है. कैसे? सन की जो हीट है वो ओशियंस के ऊपर, रिवर्स के ऊपर पर्निश हो जाती है और फिर जो वाटर है वो इवापोरेट होने लगता है, वाटर वेपर्स में चेंज होने लगता है और क्लाउड्स को बनाता है. ओके, फिर यही प्रोसेस बेटा फिर से शुरू होता है. क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, फिर जो रेन होनी शुरू होती है और फिर रेन के बाद वही वाटर धरती के ऊपर आकर ओशियंस में, लेक्स में जमा हो जाता है. ओके, अब देखो बेटा जो ये ट्रीज हैं ये भी एक मेन रोल है वो वाटर साइकिल में देते हैं अपना. जैसे कि बेटा जो इनकी रूट्स हैं तो इनमें जो वाटर है धरती के अंदर से जो इनकी रूट्स में पानी जाता है और फिर ये ऊपर की तरफ इनके लीव्स में चला जाता है, फिर क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है. जो वाटर है वो इनकी पत्तियों में से ट्रांसपीरेशन होकर ऊपर की तरफ जाता है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. ठीक है बेटा, ये था आपका वाटर साइकिल. अब बेटा हमें ये भी पता होना चाहिए जो वाटर है वो हमारा कहाँ से आता है. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. हाउ वाटर इवापोरेट? जो पानी है वो कैसे भाप में बदलता है, इवापोरेट होता है? विद द हीट ऑफ सन. ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट है जो क्लाउड्स है वो कैसे बनते हैं. क्लाउड्स कैसे बनते हैं? वाटर वेपर से. वाटर वेपर से क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होती है. कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन जो वाटर वेपर्स ऊपर जमा हो गए हैं तो वो
पानी के रूप में चेंज होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो रेन का रूप ले लेते हैं और रेन है जो होनी शुरू हो जाती है और फिर रेन कहाँ पर, रेन धरती पर आती है और फिर लेक्स में जाती है, ओशंस में जाती है। यही प्रोसेस बेटा, इसको हम बोलते हैं वॉटर साइकिल। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।